शासन के मिशन शक्ति अभियान 2020 के अंतर्गत नारी शक्ति स्वावलंबन व सम्मान के तहत पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी के निर्देशन में सघन अभियान चलाया गया। इस अभियान में महिला थाना प्रभारी इंद्रपाल सिंह ने महिला थाने में 8 में से 5 उपस्थित वादियों प्रतिवादियों की सुनवाई कर 3 की सकुशल विदाई की। 1 पर मुकदमा दायर हुआ और 1 को न्यायालय से निस्तारण के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर ने उपस्थित रहकर वादों के निस्तारण में योगदान दिया। इस क्रम में एंटी रोमियो प्रभारी पुष्पा सिंह ने निराला पार्क, बड़ा चौराहा, धवन रोड, अंचलगंज तिराहा आदि जगहों पर 21 संदिग्ध मंचलों को हिदायत देते हुए सूचीबद्ध कर परिजनों को सूचना दी। महिला थाने के इस अभियान में पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के सलाहकार डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, आज आपको इसलिए बुलाया है, आपने एप्लीकेशन दी थी कि आपका अगर बिगड़ा हुआ घर बस जाए तो हम लोगों की कामयाबी, आप लोगों की सबसे अच्छी कामयाबी, लड़ाई झगड़े कोर्ट केस मुकदमे में कुछ नहीं रखा है। यहाँ से जाओगे कोर्ट में, दोनों लोग लड़ोगे, 2-4 साल लड़ते रहोगे, कुछ फैसला नहीं होना। जो फैसला हम लोग यहाँ कर देंगे वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि दोनों लोगों का हंसी खुशी रहना चाहो, एक चांस आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इन्हें 15 दिन का समय दे रहे हैं, इनके साथ आप रह के देखिए, 15 दिन के अंदर अगर इनमें सुधार हो जाए तो आके मुझे बता दीजिए, या हम आपके फ़ोन से संपर्क कर लेंगे, फिर बुला लेंगे एक बार। 15 दिन के या 2 महीने दारू नहीं पियेंगे, उसके बाद जरूर पियेंगे, या फिर कुछ हमारे को लिख के। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट।